हेलो फ्रेंड्स, गायत्री एकेडमी सोनी के क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मैं कन्हैया कुमार झा आज आपको संस्कृत में हम नया टॉपिक समास लेकर के हाजिर हूँ। समास जो है अनेक पदों का संक्षेप होना समास कहलाता है। जैसे पहला परिभाषा जो हम लिखे हैं समशनम समास, दूसरा है एक पदी भाव समास। यानी कहता है क्या समशनम समास, यानी अनेक पदों का संक्षेप होना समास कहलाता है। दूसरी परिभाषा से जो है जब दो या दो से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाती है तो उसे समास कहते हैं। जैसे दीनम दीनम प्रति, प्रतिदीनम रोज रोज, लंबम उदरम यस्स, लंबा है उदर जिनका अर्थात लंबोदर अर्थात गणेश, प्रसर दीना पानी यस्या सा, दीना है जिनके हाथ में अर्थात सरस्वती, नगरस्थ समीपम उपनगरम, नगर के समीप, प्यारे बच्चों कहता है क्या कि अनेक पदों का संक्षेप होना समास कहलाता है। दूसरी परिभाषा में दिया गया है जब दो या दो से अधिक पद अपने बीच की विभक्ति को छोड़कर आपस में मिल जाते हैं तो उसे समास कहते हैं। जैसे दीनम दीनम प्रति, प्रतिदीनम रोज रोज, लंबम उदरम यस्य सा, लंबोदरा अर्थात गणेश, बिना पानी यस्या सा, बिना पानी अर्थात सरस्वती, नगर समीपम उपनगरम नगर के समीप। समास के समानतया जो है सात भेद हैं। अव्यय भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीही समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और इन्नय समास, जो कि अभी हम आपको बताते हैं देखेंगे। तो हम चलते हैं समास के भेद में। समास के भेद निम्न हैं। पहला है अव्यय भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा बहुव्रीही समास, पांचवा कर्मधारय समास, छठा द्विगु समास, सातवा नय समास।
प्यारे बच्चों हम चलेंगे। पहला जो है आपको अव्ययी भाव समास, इसका परिभाषा हो जाएगा पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययी भाव। यानी ऐसा सामासिक पद, ऐसा सामासिक पद जिसका पहला खंड, पहला खंड प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। या ऐसा सामासिक पद जिसका पहला खंड उपसर्ग युक्त हो, उपसर्ग युक्त हो अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे दीनम दीनम प्रति प्रतिदिनम रोज रोज, नगरस्य समीपम उपनगरम, नगर के समीप अधिहरौ इति अधिहरे हरि में बने इति अधिबनम वन में। इसी तरह से हो जाएगा रूपस्य योग्यम अनुरूपम, रूप के योग्य। प्यारे बच्चों यहाँ जो है अव्ययी भाव समास में आता है क्या पूर्व पदार्थ प्रधान है अव्ययी भाव, यानी ऐसा सामासिक पद जिसका पहला खंड प्रधान हो या उपसर्ग युक्त हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे हम जो लिखाए हैं आपको प्रतिदिनम, प्रतिदिनम में जो है प्रति जो है उपसर्ग युक्त है। यहाँ जो कहता है इसका पहला खंड, यानी यहाँ जो है प्रति, प्रति जो है क्या है प्रधान है। दूसरा लिखे हैं उपनगरम, उपनगरम में उप जो है उपसर्ग है और प्रधान क्या है उप प्रधान है। उसी तरह से अधिहरि में अधि प्रधान है और ये सब जो है क्या है आपको उपसर्ग है। इसलिए उपसर्ग जितने भी शब्द होंगे वह पहला खंड क्या होगा उसका प्रधान होगा तो वह अव्ययी भाव समास कहलाएगा। नेक्स्ट फिर देखें पुनः दूसरा है तत्पुरुष समास, तत्पर पदार्थ प्रधान है तत्पुरुष है, यानी ऐसा सामासिक पद, ऐसा सामासिक पद जिसका अंतिम खंड प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष
समास कहते हैं, जैसे कृष्णम आश्रितः, कृष्णाश्रितः, कृष्ण के आश्रित, व्यासेन रचितम्, व्यास रचितम्, व्यास द्वारा रचित, गुडेन मिश्रा गुड मिश्रा, गुड से मिला हुआ, यहाँ जो आप देख रहे हैं कृष्ण वासरिता व्यासेन रचितम गुडेन मिश्र, ये सब जो है ये समासिक पद कहलाता है, ये जो है विग्रह कहलाता है, ये जो है इसका क्या है अर्थ है, समझ गए। अब जो है आपको जो है इसमें तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। पहला हो जाएगा आपको द्वितीया तत्पुरुष समास, द्वितीया तत्पुरुष समास। दूसरा हो जाएगा तृतीया तत्पुरुष समास। तीसरा हो जाएगा चतुर्थी तत्पुरुष समास। चौथा हो जाएगा पंचमी तत्पुरुष समास। पांचवा हो जाएगा पंचमी तत्पुरुष समास। छठा हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास, और छठा हो जाएगा लास्ट सप्तमी तत्पुरुष समास। तो प्यारे बच्चों आज जो है आप लोगों को समास, समास में जो है 2 भेद अव्यय भाव और तत्पुरुष समास के भेद बताए गए हैं। कल हम तत्पुरुष समास के भेद के विषय में और विस्तार से चर्चा करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और जो वीडियो नहीं मिले उसे प्ले स्टोर में जा कर के देखें, वहाँ आपको वीडियो जरूर मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।